दोस्तों एक कमेंट आया है सीएससी आईडी को लेकर, और ये कमेंट क्या है हमें राजकिशोर मेहता ने, ये लिखते हैं कैसे पता चले कि हमारी आईडी डीएम के पास पहुंच गई है। देखिए दोस्तों, अगर आपने सीएससी के लिए अप्लाई कर दिया है, आपको रेफरेंस नंबर मिल गया है और रेफरेंस नंबर से आप अपना स्टेटस चेक कर पा रहे हो और वहाँ पर पेंडिंग या रिजेक्ट कुछ भी लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो आईडी है उसके लिए आपने सक्सेसफुल अप्लाई कर दिया है, ठीक है। और उसका मतलब ये भी है कि आपकी आईडी का जो स्टेटस है वो डीएम के पास पहुंच गया है, उनके कंप्यूटर में पहुंच गया है, ठीक है दोस्तों। आप उसकी टेंशन, मतलब आपने अप्लाई कर दिया, बस आपका काम ख़त्म हो गया। अब उनका काम है वो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह देख कर आपकी आईडी को अप्रूव कर देंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, इसके अलावा कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।